वन महोत्सव के तहत जयपुर ज़िले में हर वर्ष हजारों पौधे लगाए जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू होते ही वन विभाग ने नर्सरियों में पौधे तैयार कर लिए हैं। लोगों में पौधों को खरीदने के प्रति काफ़ी उत्साह है। वन विभाग के वैशाली नगर पौध नर्सरी के क्षेत्रीय वन अधिकारी राजपाल शर्मा ने बताया कि विभाग के कार्यक्रम के अनुसार 23 जून से वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार 2.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। पेश है राहुल शर्मा की रिपोर्ट। मानसून की सक्रियता को देखते हुए हमारे यहाँ काफ़ी 2,20,000 पौधे इस सत्र में तैयार किए हुए हैं, जिसमें छायादार, फूलदार, फलदार आदि पौधे हैं। और हमने बारिश के आगमन के कारण 23 जून से प्रारंभ कर दिया था, पेपर में भी दे दिया गया था। और लगभग इस समय 70,000 पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अधिकतर यहाँ पर छायादार प्लांट भी दे रहे हैं, और गुलाब, मोगरा, चमेली, चंपा, फूलदार प्रजातियाँ हैं जो अधिकतर इनकी डिमांड ज़्यादा रहती हैं। डिमांड तो अपने क्या छोटे जैसे गुलाब वगैरह के पौधे हैं, वो है, कनेर वगैरह वो लगे हुए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जैसे रात की रानी ख़त्म होने वाला है, वो ऑलमोस्ट वो लिया है, और गुड़हल वगैरह लिया है। यही चल रहे हैं अभी यहाँ पर ज़्यादा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ, क्योंकि देखो आए दिन ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप जितना ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ का उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं कि नर्सरी में आए, पौधे मिल रहे हैं, काफ़ी सही रेट पे भी मिलते हैं यहाँ पे पौधे, तो ले वहाँ पे।